तो गाइस लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि पुलिस वाले के साथ रोपिरो टिप्सन और विलन जाते हैं और बाराज गैंग के आदमी को उठाकर ले आते हैं और घर पर लाकर उसको मार देते हैं। लेकिन वो घर पर आकर देखते हैं कि आर्कटिका की डेड बॉडी घर पर नहीं होती। तभी टिप्सन के पास कॉल आता है और एक आदमी टिप्सन को बोलता है कि अगर तुम्हें आर्कटिका की डेड बॉडी चाहिए तो तुम मेरे पास 2 लाख रुपए लेकर आ जाओ। तभी टिप्सन रोपिरो को ये सारी बात बता देता है और तभी रोपिरो और विलन उस आदमी की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर रोपिरो उसके हाथ पैर बांध देता है और उसको किडनैप करके अपने घर पर लेकर आ जाता है। और गाइस घर पर लाने के बाद रोपिरो उस आदमी की बहुत ज्यादा मार लगाता है। बहुत ज्यादा मार पड़ने के बाद वो आदमी आर्कटिका की डेड बॉडी के बारे में सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि आर्कटिका की डेड बॉडी उसके पास नहीं थी बल्कि आर्कटिका की डेड बॉडी मिस्टर मीट के पास है। और गाइस इतना सुनते ही रोपिरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी रोपिरो टिप्सन और विलन साथ में मिलकर मिस्टर मीट के घर पर जाने लगते हैं। एंड गाइस अब देखते हैं आगे। अरे यार अब हम इसकी डेड बॉडी को अपने पास रख के क्या करें? हाँ मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। पुलिस हमें बुरी तरीके से ढूंढ रही है। पुलिस ने चारों तरफ मिसिंग के पोस्टर लगा दिए हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? एक काम करता हूँ, मैं पुलिस स्टेशन में ही कॉल लगा देता हूँ कि आर्कटिका हमारे पास है। मिस्टर मीट के पास से मैं लेके तो आ गया लेकिन इसको लाने के बाद मैं फंस चुका हूँ यार। फटाफट से कॉल लगाता हूँ। अरे ऑफिसर, लॉस सेंटोस के पुलिस ऑफिसर बोल रहे हो ना? अरे हाँ मैं तो लॉस सेंटोस का पुलिस ऑफिसर ही बोल रहा हूँ, लेकिन आखिर तुम कौन बोल रहे हो और मेरे पास तुमने क्यों कॉल लगाया है? अरे ऑफिसर ये तो मैं नहीं बता सकता कि आखिर मैं कौन बोल रहा हूँ। मैं बस तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुमने आर्कटिका के मिसिंग के पोस्टर लगाए थे ना, तो आर्कटिका मेरे पास है। और अगर तुम्हें आर्कटिका चाहिए ना तो पुरानी फैक्ट्री के नीचे आ जाओ, जहाँ पर रोड बंद पड़ा है वहीं पे मैंने आर्कटिका को रख रखा है। अगर तुम्हें आर्कटिका चाहिए ना ऑफिसर, तो इधर आ जाओ, आर्कटिका मेरे पास है। और वो जिंदी नहीं है, वो मर चुकी है क्योंकि मिस्टर मीट से मैंने उसको मरी हुई लिया था। और अगर तुम्हें वो चाहिए तो इधर आ जाओ, 2 घंटे के अंदर अंदर तुम अगर यहाँ पर आ जाते हो तो मैं आर्कटिका को तुम्हें दे दूंगा। लेकिन ऐसे नहीं, उसके लिए तुम्हें 3 लाख रुपए लेके आने पड़ेंगे, समझे ना ऑफिसर? और हाँ ऑफिसर, कोई चालाकी नहीं, अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो समझ लेना मेरी गैंग बहुत ज्यादा बड़ी है, यहाँ से जिंदा बच के वापस नहीं जाओगे, समझे ना? अरे तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कुछ भी बोलोगे तो मैं मान लूंगा? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि आर्कटिका की डेड बॉडी तुम्हारे पास है। अरे ऑफिसर मैं बोल रहा हूँ ना कि आर्कटिका की डेड बॉडी मेरे पास है, तो बस मेरे पास है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना तो 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे पास अभी आर्कटिका की डेड बॉडी का ना फोटो भेजता हूँ। व्हाट्सएप पे चेक करना, मैं अभी भेजता हूँ इसका फोटो और फिर तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना। अभी रुको, देखो मैं तुम्हारे पास भेजता हूँ। देखो ऑफिसर देखो, मैंने तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट भेज दिया है। अभी देखो मैंने एक पिक्चर क्लिक की है और बस तुम्हारे पास पहुंचने वाली है। ऑफिसर फटाफट से चेक करो। अरे हाँ फोटो तो आ चुका है और हाँ ये तो सच में आर्कटिका का ही फोटो है। तुम क्या बोल रहे थे, साइमन फैक्ट्री, जो पुरानी वाली साइमन फैक्ट्री है उसके नीचे आना है ना? एक काम करो तुम वहीं पे रुको, तुम मुझे 2 घंटे का टाइम दे रहे हो ना, एक काम करो 2 घंटे नहीं बल्कि मैं 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंच रहा हूँ और 3 लाख नहीं बल्कि 4 लाख रुपए मैं तुम्हें वहां पर लेके मिलूंगा। अरे हाँ हाँ ठीक है ऑफिसर, मैं समझ चुका हूँ। और हाँ मैंने बताया ना, साइमन फैक्ट्री जो है पुरानी वाली उसके नीचे आना है। और हाँ मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ और फिर से दोबारा से बता रहा हूँ, कोई भी चालाकी नहीं, मैंने बोला है बस अकेले ही आना है तो बस अकेले ही आना है। अगर किसी को भी अपने साथ लेके आए ना तो जिनको भी अपने साथ साथ लेके आओगे ना वो सब तुम्हारे साथ में मारे जाएंगे। तुम्हें पता नहीं है मेरी गैंग कितनी बड़ी है, समझ रहे हो ना? कोई भी चालाकी नहीं, चुपचाप से अब मेरे पास चले आओ अगर तुम्हें आर्कटिका की डेड बॉडी चाहिए तो। अरे ठीक है जैसे तुम बोल रहे हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, किसी को अपने साथ नहीं लेके आऊंगा, मैं अकेला ही आऊंगा, बस तुम उसके साथ कुछ मत करना। अरे ऑफिसर तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, हम इसके साथ क्या करेंगे? हाँ ये तो पहले ही मरी हुई है और हम इसके साथ क्या करेंगे, इसको और ज्यादा मारे क्या? मरे हुए को कोई आदमी कैसे मार सकता है? अब जितना मैंने बोला है ना बस उतना ही करना। चल मैं फोन रखता हूँ, 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे तो यहाँ चाहिए 3 लाख रुपए लेके, वरना आर्कटिका के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। अरे बस मैं आ ही रहा हूँ। अरे यार इसने तो कॉल कट कर दिया, 1 मिनट यार मुझे जाना पड़ेगा। अरे ऑफिसर अभी देखो आर्कटिका का पता चल चुका है, मैं जो ना आर्कटिका की बॉडी को लेने जा रहा हूँ। और हाँ यहाँ अगर कुछ भी हो ना तो फौरन से मुझे कॉल करके बताना। चलो यार फटाफट से चलता हूँ, आर्कटिका की बॉडी फाइनली मुझे मिल ही चुकी है, अभी तो कॉल ही आया है, पता नहीं वो आर्कटिका की बॉडी मुझे वापस करेगा या फिर नहीं। एक काम करता हूँ यार, मैं अकेला नहीं जाता,
मैं पहले रोप हीरो के पास चलता हूँ, उसके बाद आर्कटिका के पास रोप हीरो और मैं जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये गैंग बहुत ज्यादा शरीफ है, ये तो पहले ही बोल रहा है कि बहुत ज्यादा खतरनाक गैंग है। अगर मैं अकेला गया तो कहीं ऐसा ना हो कि आर्कटिका के साथ साथ ये गैंग वाले मुझे भी मार दे। मुझे तो काफी ज्यादा डर भी लग रहा है। एक काम करता हूँ यार, मैं सीधा पहले जो ना रोप हीरो के पास चलता हूँ और उसके बाद जो ना वहाँ से रोप हीरो को अपने साथ लेकर और बाद में आर्कटिका को लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि यार आर्कटिका तो पहले ही मरी हुई है। अगर उसको कुछ लेट भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार फिर भी मुझे फटाफट से रोप हीरो के पास जाना पड़ेगा। यार मैं अपनी गाड़ी को और ज्यादा स्पीड में भगाता हूँ और फटाफट से रोप हीरो के पास चलता हूँ और जाकर रोप हीरो को सब कुछ बताऊंगा, रोप हीरो को अपने साथ लूंगा और उसके बाद जो ना उस गैंग के पास जाऊंगा और फिर वहां से आर्कटिका को वापस लेके आएंगे यार, क्योंकि आर्कटिका को बहुत सारे दिन हो चुके हैं मिसिंग हुए हुए, लेकिन अभी तक आर्कटिका का कोई पता नहीं चल रहा था, आज पता चल चुका है। रोप हीरो, अरे रोप हीरो कहाँ पर हो? मुझे लगता है यार इसके घर में भी कोई नहीं है, अंदर ही चलता हूँ। रोप हीरो, अरे घर में कोई है या फिर नहीं? अरे मुझे लगता है इसके घर में भी कोई नहीं रहता, हर टाइम तो ये रोप हीरो बाहर फिरता है। रोप हीरो कहाँ पर हो? घर में कोई है या नहीं? अरे यार इसके तो घर में भी मुझे लगता है कोई नहीं है, नीचे देख के आता हूँ आखिर मुझे कोई मिलता है या फिर नहीं। रोप हीरो, अरे आर्कटिका मिल चुकी है, रोप हीरो कहाँ हो तुम? अरे इनके घर में से तो किसी के भी बोलने की आवाज नहीं आ रही, अब मैं कहाँ पर देखूँ? रोप हीरो, टिप्सन, विलन, अरे कोई तो बोलो। अरे यार रोप हीरो तू यहाँ पे खड़ा है और मैं तुझे इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, रोप हीरो। अरे हाँ हाँ सर बताइए क्या हुआ। अरे यार रोप हीरो मैं तुझे इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ और तू एक सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो क्या है ना, मेरे पास अभी अभी एक आदमी का कॉल आया था और वो बोल रहा था कि आर्कटिका उसके पास है और यार मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था, इसी वजह से जो ना उसने आर्कटिका की डेड बॉडी का फोटो भी मेरे पास भेजा है और उसने मुझे जो है ना साइमन फैक्ट्री के नीचे बुलाया, पुरानी वाली जो साइमन फैक्ट्री है ना उसके नीचे बुलाया और उसने 2 घंटे का टाइम दिया है और साथ में 3 लाख रुपए मांगे हैं। अरे तो सर फिर इतना ज्यादा लेट क्यों कर रहे हो, फटाफट से चलो, हमें साइमन फैक्ट्री के नीचे चलना चाहिए। अरे तो हाँ चलो यार रो फिर फटाफट से चलते हैं, भाग के चलो यार, आराम से जाने में कुछ नहीं होगा, साइमन फैक्ट्री यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। रो फिर भाग के आओ यार, हमें भाग कर वहाँ पर जाना पड़ेगा, साइमन फैक्ट्री तो यहाँ से बहुत दूर है और पुरानी वाली तो और भी ज्यादा दूर है, अगर हम कितनी भी स्पीड में अपनी गाड़ी को चलाएंगे ना तो हमें 1-1.5 घंटा तो आराम से लग ही जाएगा और अगर साथ में अगर जाम मिल गया तो फिर और ज्यादा देर हो जाएगी। अरे रो फिर कहाँ पर रह गए यार, फटाफट से आ। अरे हाँ हाँ सर बस आ ही चुका हूँ, फटाफट से चलो, साइमन फैक्ट्री तो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। वैसे सर आप बता रहे हो कि किसी आदमी का आपके पास कॉल आया था और उसने आर्कटिका का फोटो भी आपके पास भेजा है, तो क्या आपने उस आदमी का नाम मालूम नहीं किया क्या? अरे यार रो फिर मैं उसका नाम मालूम कर रहा था लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया, उसने सिर्फ इतना बोला है कि आर्कटिका चाहिए या फिर नहीं, अगर आर्कटिका चाहिए तो पुरानी वाली साइमन फैक्ट्री के नीचे आ जाओ और 2 घंटे के अंदर अंदर आना है और 3 लाख रुपए लेकर आना है। और हाँ यार रो फिर उसने ये भी बोला है कि बिल्कुल भी चालाकी नहीं चलेगी, अगर थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो मेरी गैंग बहुत ज्यादा बढ़िया, तुम सबको मार दूंगा। यार रो फिर यहाँ तक की धमकी दिया उसने मुझे। ओह माय गॉड गाइस, आपने सुना सर क्या बोल रहे हैं? सर बोल रहे हैं कि उस आदमी ने इनको धमकी दी है कि अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो वो यार इनको नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसकी गैंग बहुत ज्यादा बढ़िया है। खैर छोड़ो गाइस, अभी जो है ना साइमन फैक्ट्री का यही वाला रास्ता है और साइमन फैक्ट्री के पास बस हम आ ही चुके हैं। रो फिर साइमन फैक्ट्री के पास तो हम आ चुके हैं, लेकिन यार यहाँ पर जो ना कुछ भी मत करना वरना तो हम दोनों मारे जा सकते हैं, फटाफट से उतर यार रो फिर। अरे हाँ सर मैं तो उतर ही चुका हूँ, बट एक काम करो आप जो ना यहीं पे रुको, मैं इसके पास जाता हूँ और मैं इससे बात करके आता हूँ। ओ माय गॉड, एक मिनट यार उधर देखो गाइस, मुझे लगता है उधर साइड आर्कटिका की डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है इनका जो कैप्टन है ना ये रेड वाला है क्योंकि आप देख रहे हो देखने में ही कितना ज्यादा तकड़ा है। खैर गाइस अभी इसको इग्नोर करता हूँ। ओ माय गॉड इधर आर्कटिका पड़ी हुई है, ओ माय गॉड यार इधर देखो, फटाफट से आर्कटिका को देखता हूँ। अरे नहीं गाइस यार आर्कटिका के साथ ये क्या हो गया? Oh, no. आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आर्कटिका को मारा किसने था। ओए वहाँ पे खड़ा हुआ क्या कर रहा है? हाँ चल इधर चल, पहले 3 लाख रुपए देगा उसके बाद देखेगा आर्कटिका को। मैंने बोला था ना कि आर्कटिका को अगर चाहिए तो 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, फटाफट से 3 लाख रुपए निकाल और यहाँ से इस लड़की को ले जा। अरे हाँ सर आपके 3 लाख रुपए भी तो देने, एक मिनट रुको वो तो गाड़ी में ही रह गए, मैं फटाफट से 3 लाख रुपए लेके आता हूँ। गाइस यार मैं तो भूल ही गया था कि इनको 3 लाख रुपए भी देने हैं, फटाफट से मैं 3 लाख रुपए लेके आता हूँ और गाइस इनको 3 लाख रुपए दूंगा और उसके बाद जो ना आर्कटिका को यहाँ से ले जाऊंगा। तो गाइस अभी आप देख रहे हो मैंने अपने हाथ में 3 लाख रुपए ले लिए हैं और ये 3 लाख रुपए जो है ना इन सबको बांटने हैं।
तो गाइस मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। जिसे तो 3 लाख रुपए के लिए बोला था, तू ये डंडा लेके क्यों आ रहा है? ये 3 लाख रुपए नहीं है बल्कि ये डंडा है, इसको रख के और 3 लाख रुपए लेके आ। अरे सर ये क्या कर रहा है, ये तो हमें मार रहा है। अरे पकड़ो इस सबको, मारो इसको। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम मुझे मार पाओगे? तुम्हें आज किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। गाइस आप देख रहे हो ये कैसे सब एक साथ इकट्ठे होकर आ रहे हैं, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये ले तू भी। गाइस अभी आप देख रहे हो एक बंदे को मैंने यहाँ पे मार दिया है, बट यहाँ पे देखो यार कितने सारे एक एक साथ आ रहे हैं। और गाइस अभी पीछे भी है, तेरी ऐसी की तैसी, तुझे भी मारता हूँ, निकल यहाँ से। एंड गाइस इधर भी एक, तेरी ऐसी की तैसी, ये ले। गाइस इन ओ माय गॉड, इस गैंग में तो यार देखो गर्ल भी शामिल है। इधर देख रहे हो गाइस, ये मेरे से गर्ल फाइट कर रही है, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। अभी रुक जा, ये ले तेरी ऐसी की तैसी। गाइस अभी मैंने इसको भी मार दिया है, और इधर ये कैसे खड़ा है, इसको भी मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ओ माय गॉड ये गर्ल दोबारा उठ के आ गई। गाइस यार इसको मेरे को फिर से मारना पड़ेगा, ये ले। गाइस मुझे लगता है अब ये उठ नहीं पाएगी। एक मिनट यार इनकी इतनी मत, ओ माय गॉड अभी आप देख रहे हो यार ये कितनी ज्यादा खतरनाक गैंग है, और ये गर्ल तो कुछ ज्यादा ही बन रही थी। अरे ओए बस बहुत हुआ तेरा नाटक, फटाफट से 3 लाख रुपए निकाल और इस लड़की को यहाँ से ले जा। अरे तो हाँ वो 3 लाख रुपए ही तो देने आया हूँ मैं, फटाफट से अपने 3 लाख रुपए पकड़। तेरी ऐसी की 3 लाख रुपए दूंगा मैं तुझे। गाइस अभी आप देख रहे हो ये मोटा कितना ज्यादा बन रहा था, यही तो था ना गैंग का कैप्टन। एंड गाइस अभी आप देख रहे हो मैंने इसको कितनी आसानी से मार दिया, बट अभी जो ना इसको और ज्यादा मारता हूँ, क्योंकि गाइस इसकी इतनी हिम्मत कि मिस्टर मीट से आर्किटिका को लेके आ गया। और अभी एक उधर भी खड़ा है क्या, ये तो अभी मेरे ऊपर अटैक ही नहीं किया गाइस इसने। मुझे लगता है यही सबसे ज्यादा अच्छा बंदा था, बट मैंने इसको भी मार दिया है, क्योंकि गाइस इसने जो ना गलत गैंग का साथ दे रखा था। एंड गाइस अभी आप देख रहे हो मैंने सभी बंदों को मार दिया है, और इधर देखो यार ये गर्ल जो है ना बहुत ज्यादा बन रही थी। एंड गाइस इधर देखो ये यहाँ पर 2 आदमी और पड़े हैं। गाइस मैंने जो ना अभी पूरी गैंग को खत्म कर दिया है। गाइस अभी आप देख रहे हो पूरी गैंग यहाँ पर कैसे पड़ी हुई है। इधर देखो गाइस यार आर्किटिका भी इधर पड़ी हुई है। एक मिनट यार मैं क्या करूं, एक मिनट इसको फटाफट से उठाता हूं, और इसको जो ना उठा के फटाफट से अपने घर पर लेके चलता हूं, क्योंकि गाइस यार अभी जो ना हमें इसके साथ बहुत कुछ करना है। गाइस अभी जो ना पहले मैं आर्किटिका को अपने घर पर लेकर जाऊंगा, और उसके बाद जो ना गाइस मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, और वहां पर जो ना इसका चेकअप वगैरह कराऊंगा, और उसके बाद जो ना गाइस मुझे पता चल जाएगा कि आखिर आर्किटिका को किसने मारा था। एंड गाइस एक काम करता हूँ यार, फटाफट से जो ना इसको पुलिस की कार में रखता हूँ, और उसके बाद जो ना गाइस इसको घर पर लेकर चलता हूँ। अभी आप देख रहे हो गाइस मैंने जो ना आर्किटिका को कार में तो रख दिया है। अरे ऑफिसर अभी देखो अपना काम फाइनल हो चुका है, फटाफट से यार कार को फटाफट से स्टार्ट करो, हम घर चलते हैं, आर्किटिका को हमें घर पर लेकर जाना है। अरे ऑफिसर फटाफट से चलो यार, यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार रो फिरो, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो, तुमने पूरी गैंग को अकेले नहीं मार दिया। अरे सर अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, फटाफट से घर पर चलो, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं, अभी मुझे आर्किटेक्ट के चेकअप वगैरह कराने हैं। तो गाइस अभी आप देख रहे हो पुलिस ऑफिसर भी कार में बैठ चुका है, एंड अभी मैं फटाफट से कार को यार अपने घर पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि गाइस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले मैं आर्किटिका को घर पर लेकर जाऊंगा, और उसके बाद जो ना मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, और वहां से जो ना इसके फिंगरप्रिंट वगैरह निकलवाऊंगा, और उसके बाद गाइस मेरे को जो ना पता चल जाएगा कि आखिर आर्किटिका को मारा किसने था। एंड गाइस अभी मैं फटाफट से इसको घर पर लेकर चलता हूँ। वैसे गाइस आपने देखा ये गैंग बहुत ज्यादा खतरनाक थी, और इसने जो ना इस पुलिस ऑफिसर को भी धमकी दी थी, बट गाइस मैंने जो ना इस पूरी गैंग को मार दिया है। एंड इस पूरी गैंग को मारने के बाद जो ना गाइस मैं आर्किटिका को सेफली अपने घर पर लेकर जा रहा हूँ। एंड गाइस जब तक मैं आर्किटिका को घर पर लेकर जा रहा हूँ ना, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। एंड फिर जो ना मैं आपके लिए और भी ज्यादा धमाकेदार वीडियो लेके आता हूँ, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस अभी जो ना मैं फटाफट से घर पर चलता हूँ। वैसे भी गाइस अभी आप देख रहे हो मैं जो ना घर के बहुत ज्यादा पास आ चुका हूँ। माय गॉड गाइस ये क्या हो गया? गाइस अभी आप देख रहे हो सामने से टक्कर हो गई। ये तो अच्छा है कि गाइस मैं जो ना पुलिस ऑफिसर की कार में हूँ, वरना वो कार वाला जो ना मेरे को यहीं पे निकाल के मारता। खैर छोड़ो गाइस अभी जो ना मैं घर आ चुका हूँ, एंड अभी जो ना मैं फटाफट से आर्किटिका को नीचे उतारता हूँ, एंड उसके बाद जो ना टिप्सन और विलन से मिलूंगा, और उसके बाद जो ना गाइस मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। तो गाइस अभी आप देख रहे हो आर्किटिका के साथ गाइस कितना ज्यादा बुरा हो चुका है। गाइस अभी जो ना मुझे इसके किलर का पता लगाना है। एंड गाइस अगर आप भी देखना चाहते हो कि आखिर आर्किटिका का किलर कौन था, आर्किटिका को किसने मारा था, अगर गाइस आप भी ये जानना चाहते हो ना,
तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट कर देना, एंड फिर जो ना मैं बहुत ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। एंड गाइस अभी जो ना टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका है और अभी तक मैंने आपके शाउट आउट भी नहीं दिए हैं, तो गाइस मैं फटाफट से आपके शाउट आउट दे देता हूँ। तो ये रहे आज के आपके शाउट आउट। तो गाइस आज का फर्स्ट शाउट आउट जाता है कृष्णा गुप्ता को, जो कि उत्तर मध्य से वीडियो को देखते हैं, एंड सेकंड शाउट आउट जाता है हितेश को, जो कि गुजरात से वीडियो को देखते हैं, एंड थर्ड शाउट आउट जाता है यश यादव को, जो कि दिल्ली से वीडियो को देखते हैं, एंड फोर्थ शाउट आउट जाता है अयांश को, एंड फिफ्थ शाउट आउट जाता है भविष्य को, एंड सिक्स्थ शाउट आउट जाता है युवन को, जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं, एंड सेवंथ शाउट आउट जाता है काविश गुप्ता को, जो कि पानीपत से वीडियो को देखते हैं, एंड एट्थ शाउट आउट जाता है अयंश को, एंड नाइन्थ शाउट आउट जाता है अमन कुमार को, एंड टेंथ शाउट आउट जाता है रूबल धीमान को, एंड इलेवेंथ शाउट आउट जाता है शब्बीर को, एंड ट्वेल्थ शाउट आउट जाता है हसन को, एंड गाइस नेक्स्ट शाउट आउट जाता है मोहन साहू को, जो कि छत्तीसगढ़ से वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है विराट कुमार को, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है आरव को, जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है सारांश लोधी को, ये भी इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है फरहान को, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है रॉबिन को, ये भी इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है आतिफ को, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है अरसलान को, जो कि जापान से वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है जैनुल आब्दीन को, जो कि पाकिस्तान में लाहौर से वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है काविश को, जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है यश यादव को, जो कि दिल्ली से वीडियो को देखते हैं, एंड गाइस आज का लास्ट शाउट आउट जाता है अनमोल को, जो कि मध्य प्रदेश से वीडियो को देखते हैं, एंड गाइस अगर आपको भी अपना शाउट आउट चाहिए ना तो फटाफट से वीडियो पर कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में आपका भी शाउट आउट मिल जाएगा। एंड आज की वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, एंड फिर जो ना मैं आपके लिए और भी ज़्यादा धमाकेदार वीडियो लेके आता हूँ, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।